गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने सैंपल पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन 8 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सीखेंगे। ये चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंसेस से लिया गया क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये बुक से ही है। बहुत इम्पोर्टेंट भी है, उम्मीद है आप इसको ध्यान दे करके समझेंगे। देखिए, स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, अब मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कृपया इसको समझने की कोशिश करें। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से कोई पेड़ टूट जाता है। तूफान आया, आंधी आई और एक पेड़ टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, जो टूटा हुआ भाग था ऊपर का, वो बेंड हो जाता है और ग्राउंड को टच करता है। और वहाँ पर जहाँ पर ये ग्राउंड को टच करता है, वहाँ पर कितना एंगल बना देता है? 30 डिग्री का। कितना एंगल बना देता है? 30 डिग्री का। तो डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, फूट का, ट्री का जो फूट है वहाँ से लेकर के वो पॉइंट जहाँ पर टॉप टच करता है, उनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो हाइट ऑफ ट्री बताओ जहाँ से वो टूटा हो। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट तो इम्पोर्टेंट भी है। तो कृपया देखो, यहाँ पर मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। मान लीजिए ये पेड़ है ए बी, हाइट ऑफ ट्री है, ये कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री है, और ये यहाँ से ब्रोक हो जाता है सी से, और ब्रोक होकर के ये ऊपर का पार्ट जो है वो नीचे गिरेगा ऐसे। तो सपोज करो ये पॉइंट यहाँ डी पर आकर के गिरा, टच किया ग्राउंड को, तो जहाँ पर टच किया, कहते हैं इसके फुट ऑफ ट्री से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो आपकी 8 मीटर है। और तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा, देखो ए सी और सी डी। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका ए सी और सी डी इक्वल होगा। ये ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है, ये टूट कर यही तो गिरा नीचे, यहाँ पर जुड़ा रहा, अलग नहीं हुआ, लेकिन नीचे गिर गया, ग्राउंड को टच कर दिया इसने। और कितनी दूर पड़ा फुट ऑफ ट्री से? 8 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा। तो बी डी आपका कितना हो गया? 8 मीटर। ए बी क्या है? हाइट ऑफ ट्री है। पॉइंट सी है जहाँ पर ट्री ब्रेक हुआ, और सी डी वो हाइट है जो ए सी है, क्योंकि यही पार्ट नीचे गिरा। तो हमने, इसने कहा है कि जहाँ से ये टूटा वहाँ से हाइट बताओ ट्री की, अर्थात हम बी सी बताएं, या तो ब्रोकन पार्ट की हाइट तो ए सी हो जाएगी अर्थात सी डी हो जाएगी। लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है? बी सी। जब मैंने ये टॉपिक आपको करवाया था, 9 चैप्टर जब करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ मैंने इसमें बताई थी कि जो निकालना है उसे ऊपर रख लो, और जो दे रखा उसे नीचे रख लो, और फिर रेशियो लिख लो क्या बनता है। देखिए, और ये एंगल यहाँ पर इसने कितने का बना दिया? 30 डिग्री का। तो आप इसमें लिख लेंगे, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ ट्री एंड द ट्री ब्रेक्स एट द पॉइंट सी एंड टचेज ग्राउंड एट पॉइंट डी, सो दैट बी डी इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हमने क्या निकालना है इसमें, देखिए बी सी, और क्या दे रखा है? बी डी। तो बी सी क्या है आपका? परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया आपका? 10 30 डिग्री। 10 30, मैंने रेशियो बताया था आपका, ठीक है जी। क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पी अपॉन एस साइन, बेस अपॉन हाइट कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। अब इसको ऊपर कर दोगे तो कोट, और ये सेक, और ये कोसेक। तो बी सी हमने निकालना है, और बी डी कितना दे दिया इसने? 8, और ये कितना हो जाएगा? 1/√3। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी सी इज इक्वल टू 8/√3, ठीक है जी। और आप क्योंकि नीचे ये इरेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं रखना, उसको रेशनल बना लेना। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, और 9th में भी आप सीख चुके हैं। तो आपका बी सी कितना आ जाएगा? 8√3/√3 इंटू रूट थ्री, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे आ जाएगा 3 मीटर।
रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो 8√3/3 meter क्या आ गया, ये आंसर आ गया। दिस इज द हाइट फ्रॉम वेयर द ट्री ब्रेक्स। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन बहुत आसान भी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एरिया इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट सर्कल देन फाइंड द रेडियस। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर मीन्स या सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है। सर्कमफ्रेंस इन केस ऑफ सर्कल हम यूज करते हैं, और पेरीमीटर कहाँ पर यूज करते हैं हम, जब साइड्स गिवन होती हैं। तो बात एक ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है। चलिए तो मान लेंगे इसमें लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन क्या कहता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है, टू पाई आर। अब अगर मैं इसको यहां लिखूं आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर, और नीचे मैं पाई आर ले लूं, तो इधर बचा टू, पाई आर से पाई आर, तो आर इज इक्वल टू टू, कैंसिल। तो इसलिए रेडियस ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा, 2 meter centimeter यूनिट्स जो भी दे रखी हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपको इंपेरिकल रिलेशनशिप पूछना चाहता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे चैप्टर 14 में तो आपको मिलेगा। ये पूछना चाहता है 11 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 में इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन। तो क्या कहना चाहता है ये कि ये आपसे ये पूछना चाहता है कि इंपेरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन मोड में क्या होता है, जो आपकी बुक में लिखा होता है इसको आप याद रख लीजिएगा। ये होता है आपका 3 median, इट इज इक्वल टू मोड प्लस 2 mean। अगर कोई भी दो दे रखे, मानो मोड और मीन दे रखे, मीडियन निकाल सकते हैं, मीडियन मोड दे रखा तो मीन निकाल सकते हैं, मीडियन मीन दे रखा तो मोड निकाल सकते हैं। तो कोई भी दो वैल्यूज अगर दे रखी हैं तो आप तीसरी को इजीली निकाल सकते हो। तो ये है आपका इंपेरिकल रिलेशनशिप अमंग मोड मीडियन एंड मीन में। तो उम्मीद है ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपको जो इंट्रोडक्शन दे रखी है उसे पूरा पढ़ो, एग्जाम्पल्स को आप पूरा पढ़ो, ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। और दूसरी बात जो बार बार मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, लिखो करो और करो। आगे कहता क्वेश्चन नंबर 12 में, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बी सी इंटरनली इन द रेशो 3:5। एक लाइन दे रखी है बी सी, ये जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं 11वें चैप्टर में तब आपके सामने आएगा, किस रेशो में, 3:3 में इंटरनली इसको डिवाइड करना है। ठीक है जी, ड्रा ए रे सच दैट, ड्रा ए रे बी एक्स सच दैट एंगल सी बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बी टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द रे बी एक्स। कहता है कि इसको ऐसे ड्रा कर दो बी एक्स, तो कहता है कितने पॉइंट्स इसमें आप करोगे, इन दोनों के जोड़ के बराबर, 3 + 5 = 8 पॉइंट्स।
यहाँ से इक्वल डिस्टेंसेस पे 8 B1, B2, B3, B4 ऐसे करके 8 तक लेके जाएंगे, लास्ट में डैश डैश करके B तक। तो इन दोनों के जोड़ के बराबर पॉइंट्स हम लेते हैं, ठीक है जी। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी 8, 3 + 4। तो ये हमने आज आपको 9, 10, 11, 12 ये चार क्वेश्चन समझाए, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। और जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत आसान से तरीका है, और क्योंकि ये आज 2020 साल का अंतिम दिवस है और इस ईयर में हमने बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ झेली, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ख़राब साल रहा ये, क्योंकि पढ़ाई का बड़ा नुकसान हुआ है। खैर फिर भी कोई बात नहीं, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आने वाला जो नव वर्ष है 2021 वो आपके लिए खुशियां लेकर आए, इस बीमारी को लेकर के जाए, ये बीमारी ख़त्म हो जाए और जल्दी से आपके स्कूल खुलें और आप अपने अच्छे से पढ़ाई करें और आप अपना जीवन सफल बनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।